लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार तेज प्रताप ने किसे बिहार आने पे गर्दा उड़ाने की धमकी दी है। कई लोग तो उनके इस पोस्ट को मामा साधु यादव से भी जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट में नसीहत भी दी है कि बड़े बुजुर्ग को औकात में रहना चाहिए। तेज प्रताप ने लिखा है कि रुका हम आवत आनी बिहार तक गर्दा उड़ाए तोहार। बूढ़ बुजुर्ग बाड़ा तनी औकात में रहल सीखा, पजामा से बाहर आवला के कोनो जरूरत नहीं खे। दरअसल छोटे भांजे तेजस्वी यादव की शादी को लेकर मामा साधु यादव इन दिनों खासे नाराज चल रहे हैं। गुस्से का आलम यह है कि उन्होंने तेजस्वी को भक्चोनर बताते हुए विवाह का बहिष्कार तक करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, इस विवाह को उन्होंने यादव जाति और हिंदू समाज का अपमान भी बता दिया। दरअसल मामा साधु यादव को इस बात से बेहद नाराजगी है कि तेजस्वी ने अपनी बिरादरी में शादी क्यों नहीं की। अब आइए सुन लेते हैं कि साधु यादव ने क्या कहा था। कुल खानदान का नाश कर दिया। जगतानंद सिंह को औकात नहीं है ऐसा बात बोलने का। कल है ताला मार देंगे कार्यालय में जाकर के, अब बाहर कर देंगे। जगतानंद सिंह का बाप का पार्टी नहीं है। मैंने खून पसीना बहाया है तब आप दीदी बना है करके शादी किया है। ये कलंक है, बिहार का कलंक है। नेता नहीं हो सकता है, अब सपना चकनाचूर हो गया। बिहार के जो जमात और समाज के लोग जो सपना देखे थे उसका सपना चकनाचूर हो गया, खत्म हो गया। अब कभी नहीं कोई बनने वाला है। इतिहास उठा के देखिए, सोनिया गांधी को आज भी ब्राह्मण समाज नहीं अपनाया कि पारसी है, क्रिश्चियन है। न प्रियंका को अपनाया, न राहुल को अपनाया, न सोनिया को अपनाया। आज भी ब्राह्मण समाज कह दिया कि नहीं, हमारे समाज का नहीं है, इसलिए बीजेपी की तरफ चला गया समाज। आज भी लोग 40-50 वर्षों में भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब बोलिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं जगतानंद सिंह, तो बार बार तो बोल रहे हैं कि जगतानंद अपने शादी क्रिश्चियन में क्यों नहीं किया, अपने बेटा को शादी क्रिश्चियन में क्यों नहीं किया। उदाहरण जब दे रहा है तो करके दे ना। आप उदाहरण दे रहे हैं तो आप करके दिखाइए। दूसरे को, समाज को, जमात को आप खत्म कर दीजिएगा, नष्ट कर दीजिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा ये बात बोल करके। इसलिए जगतानंद सिंह को औकात नहीं है ऐसा बात बोलने का। रहे अपने औकात में, नहीं तो हम लोग औकात दिखाना भी जानते हैं। कल है ताला मार देंगे कार्यालय में जा करके, अब बाहर कर देंगे। जगतानंद सिंह का बाप का पार्टी नहीं है, बयान दे रहे हैं तो समझा देंगे कि क्या चीज़ हम है। हमारे खून पसीना से पार्टी बनी है, आप लोगों को नहीं पता होगा। मैंने खून पसीना बहाया है तब आप दीदी बना है, इसलिए किसी का बाप का पार्टी नहीं है कि जो मनमान